नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सीधी जिले की सीमा को पार कर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रेत ठेकेदार द्वारा सीधी जिले से रेत की अवैध निकासी की जा रही है, जिस पर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से मवई नदी से रेत निकासी का मामला सामने आया है, जहाँ की छत्तीसगढ़ के ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से मध्य प्रदेश के अंदर सीधी जिले से रेत निकासी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा रात में सीमा पार कर रेत का भंडारण कर लिया जाता है और दिन में वही रेत को वाहनों में लोड कर बेचा जाता है। नदी को डायवर्सन कर छत्तीसगढ़ के ठेकेदार द्वारा रास्ता बना दिया गया है और रात में सीधी जिले से रेत की चोरी की जा रही है। शिकायत ग्रामीणों द्वारा प्रशासन व पुलिस से की गई है, किंतु कार्यवाही शून्य है। क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, कहाँ के हो रहने वाले हो आप? हरदी। हरदी, कैसे निकलती है रेत मवई नदी से? रेत निकलता है रात में, ये एमपी का रेत निकाल करके भैया वहाँ छत्तीसगढ़ में ले जाते हैं रात में, और दिन में लौट करके भेजते हैं। कैसे निकालता है ठेकेदार रेत? लगभग रात में 9-10 से लेके 11-12 एक दो बजे रात तक मने एमपी का रेत निकाल के और छत्तीसगढ़ में लेके रख लेते हैं, फिर दिन में लौट करते हैं जेसीबी। हाँ, कैसे निकलता है रेत यहाँ से? रेत निकलता है जैसे उस धार को, उस साइड को रोक के और अपने छत्तीसगढ़ में बहाते हैं उस पानी को, उसी में वो रेत जाके उसमें भर जाता है। और अभी अभी कब की बात है भाई, वो बुल्ली नहीं फंस गई थी? कौन फंस गया था? अरे हमारी बहनी, वो भाई उथली समझ के अब घुस गया उसमें, और जैसे निकला तो इतना धंस गया सीधे। अगर हो सकता ज़्यादा गड्ढा होता तो मर भी जाता है, इसको कौन बचाया जाता। सीधी शहर में मंचलों का बोलबाला है, इससे कोतवाली और यातायात पुलिस इनकार नहीं कर सकती है। हालांकि वैलेंटाइन डे के उपलक्ष में स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस खासा सक्रिय रही। आपको बता दें कि यातायात प्रभारी कल्याणी पाल के मार्गदर्शन में सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे ने इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से शहर में फर्राटा मारते आवारा तत्वों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान दो ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों की ब्लैक फिल्म भी उतारी गई और उनका जुर्माना किया गया। नशे में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से नवीन यातायात थाना के सामने चेकिंग लगाकर वाहनों की सघन जाँच की। सीधी जिले में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज कलेक्टर सीधी द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनके निराकरण के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को कलेक्टर MR खान द्वारा जाना गया और संबंधित अधिकारियों को उसके समय पर उचित निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर समस्त विभाग प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।